वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे मूली और गेहूं के आटे से शानदार नाश्ता। तो ये सभी को बहुत पसंद आएगा और ठंडी में गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 3-4 मूली। इसे हमने धो के छिल के अच्छे से साफ कर लिया है और अब इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ हमने सारी मूली को कद्दूकस कर लिया है और इसे एक हम बड़े से बर्तन में ले लेते हैं और इसमें हम मिला देंगे 1 चम्मच नमक और इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। इसे मिक्स करके और इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे ताकि ये पानी छोड़ दे। यहाँ हमने लिया है कटी हुई धनिया पत्ती और ये 2 हरे मिर्चे जिसे हमने बारीक काट लिए हैं। ये लहसुन को हमने कद्दूकस कर लिया है और 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम सभी को मिला देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसमें मिला देंगे हम 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और ये 1/2 चम्मच या 1/4 चम्मच ही हल्दी पाउडर डाल दीजिए। अब हम थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा मिला के इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे ये पानी छोड़ता जाएगा हम आटा मिला के इसे और इसे एक लास्ट में सॉफ्ट, बिल्कुल ही सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। इसमें हम मिला देंगे 2 चम्मच नींबू का रस। और ये हम आटा मिला के और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जा रहे हैं। और अब इसे हम हाथ की सहायता से एक बिल्कुल ही सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। ये आटा तैयार हो चुका है लगभग। और यहाँ पर हमने तवा गरम कर लिया है और उस पर हम लगा देंगे एक कॉटन के कपड़े की सहायता से तेल। और हम थोड़ा सा तेल हाथ पे लेंगे और हाथ को थोड़ा सा चिकना करके और उसमें थोड़ा सा हम आटे की लोई ले लेंगे और इस तरह से हम बना लेंगे। इसे हमें चकले बेलन से नहीं बनाना है, बस हाथ की सहायता से थोड़ा इसे बढ़ा देना है और इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा मोटा ही रहे। और इस तरह से हम बना के जितना तवे पर अटे उतना हम रख देंगे और इसे मीडियम आंच पर सिकने देंगे। साइड से थोड़ा थोड़ा हम तेल डाल देंगे और हल्का सा ऊपर से भी तेल लगा देंगे। अब इसे हम पलट देते हैं एक बार। और ये देखिए हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है और इसी तरह से बहुत ही सुंदर सा कलर हो जाएगा। और इसे हम कई बार पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। ज़रूरत लगे तो इसमें हल्का सा घी, बटर या तेल, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो लगा के आप इसे सेक सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब नाश्ता तैयार होता है। हल्का हल्का मूली के पराठे का टेस्ट आता है और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऊपर क्रंची सा टेस्ट आता है और अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट। तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ये मूली और गेहूं के आटे का नाश्ता कैसा बना हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।